Serial. Hi everyone, it's me Bushra. कैसे हैं आप सब लोग? आपका स्वागत है, welcome to all of you in computer class. जैसे कि आप सबको पता है, जैसे कि आपको पता है कि Microsoft Office पढ़ रहे हैं, MS Word पे बात हो रही है, Home tab पे बात कर रहे हैं. आज कुछ चीजों का और discussion करती हूँ, क्योंकि कल मैं आपको बताऊंगी कि CV, resume यानी क्या होता है, biodata क्या होता है और इसको हम कैसे बना सकते हैं. इसलिए मुझे होम टैब खत्म करना है. आप जल्दी जल्दी कुछ चीजों की बात करेंगे, वीडियो लंबा हो सकता है. हर तरह के अपडेटेड आपको जानने के लिए, रहने के लिए, अपडेट रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े. उसके लिए आप मुझे ईमेल करें bushra@sarthak.gmail.com. प्लीज ज्यादा से ज्यादा हर वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग, इससे हमारी मेहनत को एक हौसला मिलता है, खुशी होती है. और जिनको जरूरत है शेयर कीजिए. जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट्स भी करें, हमें वेट है. तो लेट्स स्टार्ट. देखिए, मैंने उस दिन लास्ट में आपसे सेव की बात की थी, आपको याद है, सेव की बात हुई थी. तो सेव के कई तरीके हो सकते हैं. जैसे कि मैं आपको बताऊं, कोई भी फाइल है तो कंट्रोल एस करेंगे, वहां पर मोस्टली फाइल नेम का एक बॉक्स खुलता है, एक आपके सामने बॉक्स खुलेगा, फाइल नेम मांगेगा. लेकिन कुछ सिस्टम में या तो सेटिंग का इश्यू कह लीजिए या फिर विंडो का अपना फंक्शन होता है कि फाइल नेम ना देने की वजह अब क्या फंक्शंस आ रहे हैं, जैसे शेयर, सेव और इसके अलावा ओपन, सेंड, प्रिंट, ये ऑप्शन आते हैं. टैप करेंगे तो आपको एक मिलेगा कंप्यूटर टैब. तो कंप्यूटर टैब पे जब आप एंटर करेंगे तो अगेन फोल्डर का किसी का नाम दिखाएगा आपको. अगर आपके अपने नाम का फोल्डर है या सिस्टम पे आपका नाम पड़ा हुआ है तो अगेन एंटर कर दीजिए, फाइल नेम पड़ जाएगी, मतलब फाइल नेम बॉक्स आ जाएगा, वहां फाइल नेम देंगे. फाइल नेम आपका देने के बाद, अच्छा क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए इंडिया, हमने लिखा था इंडिया इज लार्जेस्ट कंट्री, तो वही चीज दिखाएगा जो आपने लिखा है, उसका फर्स्ट सेंटेंस के दो तीन वर्ड दिखाता है. तो आप उसे इग्नोर कीजिए, फाइल नेम जो आपको देना है दीजिए. शिफ्ट टैब से जाइए ट्रिब्यूट पर, उसको या तो आपका स्क्रीन रीडर ट्रिब्यू कहेगा या ट्रिब्यू, या टैब टैब से ऑर्गेनाइज बटन के बाद ट्रिब्यू पर. वहां पे आपको बताया था लोकेशन सर्च कीजिए, आप लेटर के थ्रू भी कर सकते हैं और अप डाउन एरो के, ये फैसिलिटी आपको यही मिलेगी, हाइपरलिंक में बिल्कुल नहीं है, आगे पढ़ाने वाली हूँ. टैब के बाद आइटम व्यू लिस्ट आएगा. आइटम व्यू लिस्ट में अगर आपको कोई एग्जैक्ट फोल्डर में सेव करनी है फाइल, डेफिनेटली करनी चाहिए, ये एक अच्छी बात है, विकृत डेटा अच्छा नहीं लगता. तो आप उस फोल्डर के नेम को सर्च कीजिए लेटर से या एरो कीज से और उस फोल्डर पर एंटर करके टैप टैप से ऑल टेस्ट करें सेव बटन पर, या फिर एंटर भी कर सकते हैं. ये एक रिवीजन था जो मैंने बताया. अब बात कर लेते सेव एज की. पहले एक और तरीका सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए डी कोलन, हमें डी कोलन में सेव करनी है फाइल, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल एस फिर लिखेंगे, फाइल नेम आएगा डी कोलन, डी कोलन के बाद फाइल नेम और डबल एंटर और ऑल्ट एफ फोर. तो ये आपकी फाइल ऐसे भी सेव हो सकती है. एक ही होता है कंट्रोल एस करके फाइल नेम देके, या जिस तरीके से मैंने फाइल नेम, अगर कुछ लोगों का ऑप्शन ना आए तो टैप करके कंप्यूटर टैब पे एंटर और फिर एक अगेन एक और एंटर, अगर कोई फोल्डर का नाम शो होता है तो, ये करके फाइल नेम देके और आप एंटर कर दें. जहां भी आपको डॉक्यूमेंट में आपकी फाइल जाएगी, सर्च बॉक्स में जाएं, यानी सर्च बॉक्स एडिट स्टार्ट मेन्यू में, वहां DOCU लिखें, डॉक्यूमेंट या माई डॉक्यूमेंट के नाम से आपको एक फोल्डर मिलेगा, उसमें आपकी फाइल होगी, उसको कट करके जहां पेस्ट करना है कंट्रोल वी से पेस्ट करें, कंट्रोल एक्स से कट करें. तो ये एक जनरल तरीके है. अब बात कर लेते हैं सेव एज पर. सेव एज का क्या होता है, सेव एज में आपकी सेम फाइल को अगर आप डिफरेंट नेम से और किसी डिफरेंट लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं, That is save as. मतलब अगर मैंने कंट्री के नाम से एक फाइल बनाई है, माई कंट्री के नाम से एक फाइल बनाई है और मैंने इस फाइल को सेव करके रखा है, फिर लेकिन अगेन मैं इस माई कंट्री में एडिटिंग कर रही हूँ और ज्यादा मैंने कुछ लिखा है और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो अभी तक लिखा था माई कंट्री की फाइल वो अलग हो और ये भी एक फाइल बन जाए, इसमें भी माई कंट्री वाला डेटा आए और जो मैंने आज एडिटिंग की है वो भी आए, तो मैं एक सेव एज का भी यूज कर सकती हूँ. इसके लिए मैं F12 का यूज करूंगी, F12 फंक्शन की, जैसा कि आपको पहले फंक्शन कीज में बताया था. F12 के बाद आपकी सेम वो सेव वाला जो ना भी मैंने आपको ऑप्शन बताए हैं सेव डायलॉग बॉक्स के,
वो सारा ओपन टू सेव डायलॉग बॉक्स के जितने भी मैंने फंक्शंस बताए, कंट्रोल एस कर किया था वहां, यहाँ F12 किया है, फाइल नेम आएगा, फाइल नेम नहीं आता तो टैप करके कंप्यूटर टैब आएगा, और कंप्यूटर टैब करने के बाद आज क्या करेंगे, कंप्यूटर टैब पे, सॉरी माफ कीजिए, आज नहीं हमेशा ही करना है, तो कंप्यूटर टैब पे आप क्या करेंगे, एंटर, फिर अगर कोई फोल्डर का नाम शो करे तो अगेन एंटर कीजिए, फाइल नेम दीजिए, और आपको जिस लोकेशन पे भी सेव करना है वहां आप कर सकते हैं, ट्री व्यू पर जाके सर्च करें, और सेम आइटम व्यू लिस्ट में अगर कोई फोल्डर देना है, किसी फोल्डर में कर रही है तो वहां पर उस फोल्डर का नाम ढूंढकर एरो कीज के साथ आप डाउन राइट लेफ्ट एरो से या फिर उसके लेटर के नाम से वहां पे एंटर करें, और टैब से जाके सेव बटन आएगा वहां ऑल्टेस ये एंटर करें, ये आप कर सकते हैं, है ना। और अगर आपको कोई फोल्डर का नाम नहीं चाहिए तो आप आइटम व्यू इसको छोड़ दीजिए, टैब टैब से सीधे जाइए सेव बटन पे, वहां पे ऑल्टेस ये एंटर कीजिए, बात समझ में आ गई होगी। तो सेव एज में क्या होता है, सेम फाइल को जब हम किसी डिफरेंट नेम यानी किसी अलग नेम या डिफरेंट लोकेशन किसी अलग स्थान पर सेव करते हैं तो दैट इज सेव एज, वो हम किसी सेव फाइल को ही कर रहे हैं तो वो सेव एज कहलाती है, सेम फाइल विद डिफरेंट लोकेशन एंड डिफरेंट नेम। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्विक स्टाइल की। मैंने आप लोगों को एक चीज नहीं बताई थी, देखिए एक होता है ऑल्ट एच एल, उसका कमांड है क्विक स्टाइल, ये आपको बॉर्डर के बाद मिलेगा, टैप टैप करके जाएंगे ऑल्ट की या ऑल्ट एच करें होम टैब के लिए, वहां टैप टैप करेंगे बॉर्डर के बाद एक आएगा क्विक स्टाइल ऑल्ट एच एल। जितने मैंने आपको फॉन्ट बटन में ऑप्शंस बताए थे यहाँ क्विक स्टाइल पे एंटर करेंगे तो वो आपको सब मिलेंगे, टाइटल सब टाइटल हेडिंग वन लेवल वन हेडिंग लेवल वन हेडिंग लेवल टू हेडिंग लेवल थ्री है ना, सब हेडिंग्स एम्फेसिस बुक टाइटल लाभ 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 एटसेट्रा बहुत सारी चीजें मिलेंगी, तो ये आपका क्विक स्टाइल में आएगा। इसका कमांड याद रखिए, ये फॉन्ट बटन में अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप इसको क्विक स्टाइल से भी कर सकते हैं। अगेन क्विक स्टाइल के बाद आता है एक आएगा आपका चेंज स्टाइल बटन, क्या आएगा चेंज स्टाइल बटन, तो आप वहां पे करेंगे ऑल्ट एच एफ जी, क्या करेंगे ऑल्ट एच एफ जी, ऑल्ट एच एफ जी जो ये चेंज स्टाइल बटन है इसमें क्या करेंगे आप स्पेस बार करने के बाद आपको सारी चीजें वही मिलेंगी, फॉन्ट फॉन्ट साइज पूरा का पूरा आपके सामने फॉर्मेटिंग मेन्यू दोहराएगा ये, ठीक है। तो एक ये हो गया चेंज क्विक स्टाइल, और क्विक स्टाइल के बाद क्या हुआ चेंज स्टाइल, और चेंज चेंज स्टाइल बटन बटन पे ये होगा, फिर एक आएगा चेंज स्टाइल के नाम से टैप करने के बाद, क्विक स्टाइल चेंज स्टाइल बटन और चेंज स्टाइल, चेंज स्टाइल में आएगा और उसमें करना है ऑल्ट एच एफ वाई, सॉरी ऑल्ट एफ ऑल्ट एच ऑल्ट एफ जी वाई, क्या करना है ऑल्ट एफ जी वाई करना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप कि यहाँ पर आपको फिर से इस पे एंटर करेंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के कलर दिखेंगे, एफएक्स मीडियम पेपर थीम ओरियो ओरियो है ना, और मतलब मेरे पास मैं आपको क्या बताऊँ बहुत सारी तरह के कलर दिखेंगे जो डिफरेंट कलर से थोड़े से अलग होते हैं, वो आप पेपर चेक मीडियम चेक मॉड्यूल चेक थीम चेक और इसमें होगा ओरियो बहुत सारा होगा। तो इसमें आप कोई भी अपना जैसा कुछ बना रहे हैं, कोई आप टाइटल पे टाइटल लिख रहे हैं, पेपर मान लीजिए कुछ और लिख रहे हैं, कुछ न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हैं, कुछ आर्टिकल लिख रहे हैं, कुछ आपने कोई मॉड्यूल लिख रहे हैं, तो उसके हिसाब से इसको आप सेट कर सकते हैं, या आपको जरूरत नहीं है पर मैंने आपको बताया ऑल्ट एफ जी वाई इसकी कमांड है। तो आपको क्या क्या पढ़ाया, मैंने सेव एज बता दिया, स्टाइल बच्चे क्या बताया स्टाइल, फिर एक बताया चेंज स्टाइल बटन, और एक बताया क्विक स्टाइल, तीनों चीजों में आप देख लीजिएगा आपको ये सारी चीजें मिलेंगी जो मैंने बताई हैं आपको, समझ में आई बात। अब आगे चलते हैं, इसके बाद आएगा फाइंड एंड रिप्लेस, क्या आएगा फाइंड एंड रिप्लेस, आज मैं आपको दोनों चीजें एक साथ लगा के पढ़ाती हूँ, पहले रिप्लेस कल पढ़ाऊंगी, जब आपको रिज्यूम बताऊंगी आज बताऊंगी फाइंड एंड गो टू, क्या होता है फाइंड एंड गो टू, दोनों का काम एक्चुअली एक है, और कुछ ऑफिस में गो टू दिया होता है कुछ में नहीं दिया होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं एक्सेल पावर पॉइंट इंटरनेट को छोड़कर, वैसे इंटरनेट में अगर मैंने ईमेल लिख रही हूँ तो उसमें कर सकती हूँ यूज, जीमेल पर या कहीं भी वर्ड में नोटपैड में, मान लीजिए कुछ फाइल में लिखा है कि एथिक्स, अगर 500 वर्ड की वो फाइल है और मुझे एथिक्स को ढूंढना है तो क्या मैं अप डाउन एरो कर करके ढूंढूंगी, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी,
और पागल होना नहीं है ना, तो क्या करेंगे हम इसमें कि हम फाइंड का यूज करेंगे। तो क्या करें, यहाँ पर कंट्रोल एफ करें, कंट्रोल एफ करके आपको यहाँ पर लिखना है एथिक्स, और एथिक्स लिखने के बाद अगेन एंटर करें। एंटर करने के बाद दो बार एस्केप करना ना भूलें, वरना फाइंड डायलॉग बॉक्स से बाहर नहीं निकलेंगे। क्या समझ में आया कि आपने क्या फाइंड किया, एथिक्स। एथिक्स क्या करेंगे, कंट्रोल एफ करेंगे, उस फाइल को खोले रखेंगे। फाइल खुली नहीं होगी तो कैसे काम होगा। फाइल ओपन रखिए, और मैंने एक एग्जांपल ली है कि एथिक्स की, तो यहाँ पर कंट्रोल एफ करें, एथिक्स लिखिए, एंटर करें, और दो बार एस्केप करना, यू हैव टू प्रेस टू टाइम्स एस्केप, इट्स अ कंपलसरी। अगर आप एस्केप प्रेस नहीं करेंगे तो डायलॉग बॉक्स से बाहर नहीं निकलेंगे, किसके, फाइंड के। तो दो बार एस्केप करें, आपका कर्सर ऑलरेडी एथिक्स पर होगा। आप यहाँ पर इंसर्ट अप एरो करके या इंसर्ट के साथ दो बार अप एरो करके चेक कर सकते हैं। इंसर्ट के साथ दो बार अप एरो करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, इंसर्ट के बाद दो बार अप एरो करने से विद स्पेलिंग वो वर्ड पढ़ता है, और इंसर्ट के साथ अप एरो करने से स्टेटस पढ़ता है। कैलकुलेटर में इसका यूज होता है, शायद मैंने आपको बताया है, समझ में आ गई बात। चले, ये हो गया फाइंड, यही होता है गो टू। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गो टू में पेज नंबर के लिए ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कि गो टू का क्या होता है, कंट्रोल जी। गो टू में आपको मान लीजिए फर्स्ट पेज पर है, आपको जाना है पेज नंबर 99, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 99, एंटर करेंगे, दो बार एस्केप करेंगे। दो बार एस्केप करने के बाद आप ऑलरेडी पेज नंबर 99 पे चले जाएंगे। समझ में आ गई बात। तो गो टू का हम लोग इसलिए ज्यादा करते हैं, फाइंड का ज्यादा फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स में यूज करते हैं, लेकिन आप फाइल और डॉक्यूमेंट में भी धड़ाधड़ फाइंड का यूज या गो टू का एक जैसा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। गो टू भी यूज करेंगे तब भी आपका बिल्कुल काम होगा, जैसा फाइंड से हो रहा है वैसा गो टू से भी होगा। लेकिन ऑफिस में सब में ये फैसिलिटी नहीं है, गो टू की और फाइंड सब में है, फाइंड सब में है। तो कल हम बात करेंगे आपकी क्या रिज्यूम यानी सीवी और रिप्लेस के बारे में बात करेंगे। कल हमारा होम टैब पे लास्ट ट्यूटोरियल होगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो, जरूर सब लाइक करें, कमेंट्स करें, अच्छे शेयर करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पूरा देखें टिल टू एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।